वो दोनों ऑक्सीजन प्लांट इस डेढ़ साल में बंद पड़े हैं और सुक्खू की कंगाल सरकार कह रही है ये ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसी हालत आज हमारे कुल्लू के अस्पताल की करके रखी है। ये कुल्लू का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो शोभला होटल के साथ है, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पहले ऐसा नहीं था। इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का फाउंडेशन हमने 2008 में किया और 2011 में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आपको भव्य रूप से बना करके तैयार करके दे दिया। लेकिन मैं आज आपको कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया पंचकर्म चल रहा था। लोग अपना इलाज करने के लिए दूर दूर से आते थे और अब लगभग डेढ़ साल कांग्रेस की सरकार को हो गया है, अब पंचकर्मा भी उस जगह पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कुल्लू में बंद कर दिया गया है। ऐसी ये कांग्रेस की सरकार है। आपको मैं आज याद दिलाना चाहूंगा, यहां के आपके स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी बहुत बार स्वास्थ्य सेवा की करते थे। आज मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब 2020 में कोरोना आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने कुल्लू के अस्पताल में इतनी बढ़िया व्यवस्था की कि कुल्लू के अस्पताल में जब कोई मरीज होता था उस मरीज के साथ उनका अटेंडेंट भी रहता था, बढ़िया इलाज के प्रबंध किया। और उसके साथ हमने क्या किया, यहां पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, 1000 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया और एक दूसरा ऑक्सीजन प्लांट हमने 500 LPM का लगाया। और अभी 4 दिन पहले के अमर उजाला की खबर है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे वो दोनों ऑक्सीजन प्लांट इस डेढ़ साल में बंद पड़े हैं और सुक्खू की कंगाल सरकार कह रही है ये ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसी हालत आज हमारे कुल्लू के अस्पताल की करके रखी है। भाइयों बहनों, आपको ये भी याद है कि राष्ट्राध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आए, उनसे हमने चर्चा की, कुल्लू में जो ट्रॉमा सेंटर है जहां पर हमारा इलाज होता है, ये ट्रॉमा सेंटर भी हमने प्रारंभ करके दिया, फाउंडेशन भी हमने किया, उद्घाटन करके भी हमने दिया है। और उसके बाद जो मां और बच्चे का इलाज करने के लिए मातृ शिशु अस्पताल है उसके हम 14 करोड़ रुपए लेके आए, हमने ही उसका पत्थर रखा, हमने उद्घाटन करके दिया।